असुर संग्राम। मन बाटे एकदम बेमान। बेमान मतलब? बेमान मतलब लगाम नहीं के। अच्छा। बहुत अपना मन कोड़ा तटे। ओके। तो आप लोग बैठल बैठल स्वागत कर ली जा हमरे ओह जज के जिनकर चर्चा बाटे गांव गांव गली गली बस्ती बस्ती बैठ चुकल बड़ी सुर को किला मालिनी अवस्थी। जेकरा खातिर धड़केला नौजवानन के दिल के धड़कन धक धक। पता नहीं ऐसा सुर में बोल देलो कि हमार बोलिए नहीं निकला। आइए हम आपको बैठा दिया आपके सीट पर। और जब हमने कई महासंग्राम एक ऐसन मोड़ पे पहुंच गिल बटे जहां आखिरी बार तीन लोग एक साथ एलिमिनेट हुई। आखिरी बार तीन लोगन के सफर रुकी, कहें कि आज के बाद तीन तीन लोग नहीं जाई, आज के बाद एकहक लोग जाई। जब हमने के घमासान के तैयारी में बानी जा, महासंग्राम के तैयारी में बानी जा, सुपर सिक्स चुने खातिर सब टेंशन में बानी जा, ऐसन में हमनी के बीच जौने चैनल खातिर हमनी के प्रोग्राम बनत हटे,
जे भोजपुरी के दुनिया में एक अलग उमंग पैदा कर देले बड़े। मुखिया हमनी के बड़ भाई आदरणीय पी के तिवारी जी यहाँ बानी, हम चाहब कि वहाँ के जरूर एक बार आप लोग के सामने आके आशीर्वाद दी। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। भैया आपके बहुत स्वागत बटे। सब लोग आप खातिर बहुत करतल ध्वनि से स्वागत करत नहीं जा और धन्यवाद देता नहीं जा कि आप भोजपुरी के ऐसा प्रोग्राम देवे के सोचनी। हमार दिली इच्छा हमेशा से रहला कि यूपी बिहार का लोग प्रतिभावान जो बाटे ओकरा के हर स्तर पर मौका मिले और सब आगे बढ़े अपन प्रतिभा के दिखा के। बम्बई जो फिल्म इंडस्ट्री है, टेलीविजन के इंडस्ट्री है, एम सब अपन कला के दिखा के आगे बढ़े। वैसे तो हमनी के ईश्वर संग्राम कई मायने में भैया रिकॉर्ड बनल जात बटे। आज तक कभी भोजपुरी के इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं बनल बटे और इस सोच जे रखले बटे उपस्थित हो के आशीर्वाद देता नहीं। बहुत धन्यवाद। हमार सबका के शुभकामना बटे, सब सब विजयी होके। तो चलिए हो जाएंगे तैयार, आमने सामने बाटे यूपी बिहार, ना तो लाठी ना तलवार, चली सिर्फ सुर के धार और उस सुर के धार बहावे खातिर बिहार। रीमा वर्मा रांची से जोरदार ताली से स्वागत करें। रीमा कैसन बाड़ू? ठीक बा सर। ठीक बाटी। बचवा कैसन बा? नहीं बचवा खुश बा। खुश बा और हमनियों को बहुत खुश बनी जा और खुश कदा सारे अवाम के। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई हापिया, पनिया के जहाज से चला। तुहार जितना प्रस्तुति रहल वो हमरा से ज्यादा मालनी जी समझे।
पहली जोन आपकी प्रस्तुति रहल पिछले से पिछले हफ्ता, ओए देना हम आपके बड़का फैन बन गए रहे और हमके बहुत खुशी है कि आज भी आपके वही स्तर पे हम गाना सुनी करके हमके बड़े अभिमान बा कि आप जैसन से पास सलार, आप जैसन कंटेस्टेंट सुर संग्राम के हिस्सा बन। आशीर्वाद बो, और एक बार आग्रह कर रहा था नी कि एक बार स्टेज में हमारे साथ झूम कर दुनिया के जहाज से पलटनिया वाली आई हा पिया, पानिया के जहाज से पलटनिया वाली आई हा पिया, ले ले आई हा हो, ले ले आई ला हो, ले ले आई हा हो, पिया ना तुई हम एक एक बात खातिर न तुहार बहुत धन्यवाद करतनी। बोला बोला। तू जो माली जी के नचा देलू न तो समझ ला कि कई लोगन के बचा देलू, और अब हम तुहरा की लेके चल रहा बनी कल्पना जी के पास। रीमा जी कमाल है आपकी आवाज़, और मैं मेरे दिल को छू के गया था, और आज भी बोलूँगी वो स्ट्रेंथ, वो फोर्स, और जो आप आक्रमण करते हैं सुरों को, आप आक्रमण करते हैं, वो बहुत अच्छा एटीट्यूड है, बहुत अच्छा लगा। हिट सॉन्ग्स चुनने में एक प्रॉब्लम ये आता है कि जो सुना हुआ होता है वो जैसे दिमाग में रह जाता है जी। जैसे पनिया के जहाज से पलटनिया नने नया पिया, ले ले आई हा हो, ले ले आई हा हो, एक जो अंदाज है मिठास के साथ, उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा कमी लगा, थोड़ा सा मुझे चुभा, बाकी मैं क्या मुझे बोलूं? लगता है कि कल्पना की हर आदमी एक कुदरतन वॉइस क्वालिटी को लेके पैदा होता है, हर आदमी अपनी एक पहचान बनाता है। मुझे खुशी है कि तुम अपनी तरह से गाती हो। नहीं वो तो है, मैंने वही बोला क्योंकि आप में बहुत काबिलियत है, मैं इसलिए आपको ये बात बोल रही हूँ आगे जी, के लिए जी। बाकी तो बोलना ही नहीं है आगे, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। आप चल के अपनी जगह पे बिहार के पलटन में विराजे। चल बटे संगीत के घमासान, भोजपुरी संगीत के महासंग्राम, खोज जारी बटे टॉप 12 के, 6 गो सुपर सिक्स बिहार के और 6 गो सुपर सिक्स उत्तर प्रदेश के। अब पता नहीं के होई आज के एपिसोड बताई, इहो ध्यान रखब जा कि पता नहीं कब के कोयल नियन कूक जाई और के गीत के सिलेक्शन के कनेक्शन में चूक जाई। मनोज तिवारी आपके सामने रही, देखत रहे अवाम आमने सामने बाटे यूपी बिहार, ना तो चली लाठी ना तो तलवार, चली सिर्फ सुर के धार, देखत रही जा हई घमासान सुर संग्राम। अब रीमा वर्मा के सवाल के जवाब उत्तर प्रदेश के आ रहल बड़े धर्मेश दीक्षित, जोरदार ताली से स्वागत करेंगे धर्मेश बाबू। ये बिहार के नकल करत हा ना भैया, गाना के सिचुएशन बाकी पहना उल बा। अच्छा को ई काहे बनले बड़ा भैया? वो गाना में इसन बा टपोरी वाला। अच्छा टपोरी वाला बा, तो मिजाज बन गिल बा टपोरी टाइप के। खोला सुर के कटोरी हाय
सालत के पीछे इंतजार कर लू, कॉलेज के पीछे इंतजार कर लू, अरे दाना तानी के करा से प्यार कर लू, कॉलेज के पीछे इंतजार कर लू, जाना तानी के करा से प्यार कर लू, जाना तानी के करा से प्यार कर लू। इंतजार कर लू, कॉलेज के पीछे इंतजार कर लू, जाना तानी के करा से प्यार 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 कर लू। अरे सांस सांस बताओ तो केकरा से प्यार कर ली बताओ ना भैया, सामने ना बोलो। तो ठीक है। अच्छा तो तू का जानू कि जीन्स के पैंट पहन के आ शर्ट के हिस्से बांध के यही के टपोरी कह जला। सबसे बड़का टपोरी जे धोती पहने ला, यहाँ ले गोड़, यहाँ ले गोड़ लौकी, यहाँ ले फाटल, यहाँ ले चीटल, एक से बड़ा टपोरी गिरी का हो सकेला भैया। ये गवई टपोरी है लेकिन हमने कहिए शहर में आज बन जा प्रोग्राम देवे तो इसे ने बना जरूर बनी हमने शहर का टपोरी हो सन। तो चलो जोन जज बाड़ी ना वो टपोरी के बहुत समर्थक नहीं की। सुर संग्राम की कचहरी धर्मेश अपन प्रस्तुति से तो पूरा मंच श्रोता गण के सबके के हिला के रख देलस, सब बधाई। लेकिन लेकिन देखल जाए कि आगे बाकी सब लोगन के प्रस्तुति पे निर्भर करी कि आज आपन आपके सफर आगे बढ़ी के ही जरूर की, लेकिन प्रस्तुति धमाकेदार रही। आप एकदम रामपाल रामपाल यादव ने उनका नाम जो कॉमेडियन है राजपाल यादव राजपाल राजपाल यादव लग रहे हो। पलवा बहुत खुशी आई कहीं की कल्पना के तोहर बहुत बड़ फैन है। नहीं 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 मैं लुक की बात कर रही हूँ। हाँ। लुक की बात कर रही हूँ। गाना सुनते हुए हम लोग दोनों बात कर रहे थे कि एकदम चश्मा लगा करके राजपाल यादव लग रहे हैं और ऐसे आप कूद कूद के गा रहे थे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया। और मुझे ऐसा लगा कि आपको ये रोल पर्सनली बहुत पसंद है। कॉलेज में ऐसे ही थे क्या? ना मैडम, ऐसे ही होंगे आप मुझे लग रहा है। थोड़ा बहुत हमने थिएटर हम के लिए बनी नाटक नौटंकी में काम बहुत के लिए बनी। वाह 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 वाह, ऐसे थोड़ा बहुत आपने जान ली। जिस टाइप का सॉन्ग है उस हिसाब से, जिस मतलब सिलेक्शन जो था उस हिसाब से आपने परफेक्ट किया। देखिए गढ़ा भाई आगे। हाँ अब हम बुला रहल बानी अपने बिहार जोना पर, बिहार के बड़ी दारोमदार बाटे, बिहार के होई कितनी दावेदारी ओकर बाटे कितनी तैयारी ई हम जान सकीले मिथिलांचल के मीठी सी आवाज पूजा झा में। जोरदार ताली से स्वागत करे के पूजा झा। आज आपके रूप थोड़ा सा कुछ अलग अलग लगत बटे, कुछ डर बा? डर के साथ नहीं, एक्साइटमेंट छे। यही एक्साइटमेंट में निशाना के तोड़ डाला और जन धर्मेशवा के चश्मा लौकत हो के फोड़ डाला। पहले पहले
ओही डीजल गड़िया पर सैया के नौकरिया हो, ओही डीजल गड़िया पर सैया के नौकरिया, सैया के नौकरिया ले आइले एगो साड़ी हो दिल भर जानी, ले आइले एगो साड़ी हो दिल भर जानी, देखली डीजल गाड़ी हो दिल भर जानी। हम सीधे चल रहे बनी मालनी अवस्थी जी के पास। पूजा, पिछले हफ्ते से पिछले हफ्ते जोन एपिसोड में आपके हम लोग गाना सुने ले, वो गाना और उसके बाद आज ये गाना, दोनों गानों के जोन चुनाव आपके बाद वो बेजोड़, लेकिन गाने में जो काम है दो तीन जगह है, ये दो तीन जगह की जो हरकत है जो काम है, क्योंकि जगह बहुत कम है उसको और मांझने की और पॉलिश करने की ज़रूरत है, और जब नोट पे आप आते हो अंतरे पे तो वो थोड़ी थोड़ी बार चढ़ा हुआ नोट लगता है। सेम बात मैं भी बोलूँगी, आप खुद एक डांसर हो जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बोला था, तो मुझे परफॉर्मेंस में आपसे और उम्मीद है, क्योंकि गीत में परफॉर्मेंस का बहुत स्कोप था, आपने 100% एफर्ट नहीं दिया उसमें, और सुर में भी कहीं कहीं फ्लैट हो, हालांकि बहुत नहीं, बाकी टोटल मिला जुला के बढ़िया ही है, कोई टेंशन नहीं है। घमासान अपने ओह चरण में पहुंच गए बाटे, जहां से सही मायने में भोजपुरी संगीत के महासंग्राम शुरू होके की तैयारी बाटे, सुपर सिक्स की खोज। तो अब हम बुला रहल बानी बिहार पूजा झा के गीत के जवाब में बनारस के रहे वाले बाबा विश्वनाथ के नगरी के सुरीला जवान आलोक पांडे उर्फ गोपाल बाबा। गोपाल भाई कुशन बड़ा, बहुत अच्छा बड़ा, थोड़ा टाइट रहल करे ठीक ना, हाँ कहे कि सैनिक हव तो थोड़ा सा तू विनम्रता में बहुत झुक जाला, आदमी के आजकल बहुत झुके के भी नहीं चाहिए। आज ये जान के कि चार गो में से दुइये गो लोग आगे जाइए, कैसा लगता? हमारा ऊपर अपना ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस, बाकी हम जो अपन हम निकल जाए, हम अपन जगह बनाए, बस बस वही कॉन्फिडेंस से दाग दो। चोरी करी पपी उरे चाहे और चोरी करी पपी उरे चाहे और खींची ठेला गाड़ी हमके साड़ी चाहे, कबले फीची गवना के छाड़ी हमके साड़ी चाहे, कबले फीची गवना के छाड़ी हमके साड़ी चाहे, चोरी करी चोरी करी
राम के साड़ी चाहे कबल फीची गवना के छाड़े हमके साड़ी चाहे कबल फीची गवना के छाड़े हमके साड़ी चाहे असर बा कि मनोज के दुपट्टा साड़ी हो गई कि साड़ी तोहरा के देहल जाता टे इस साड़ी के तू रखी है ताकि तोहरा याद रहे कि एगो साड़ी के गीत तो हमनी के राजा बिस्किट सुर संग्राम में गौले रहला। थैंक यू भैया। बाकी आप खातिर हम चलब हरियर हरियर कल्पना जी के पास। अब तक का मुझे सबसे अच्छा लगा ये परफॉर्मेंस आपका, बहुत बहुत बढ़िया। और एक बात अच्छा लगा मुझे, आपने ओरिजिनल जो कंपोजिशन है सिर्फ उसको फॉलो नहीं किया, आपने शायद उसको अलग अलग प्रकार से खेले, उसी नोट में रहते हुए आपने अपने तरफ से ऑल द बेस्ट आगे के लिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हमरा असावर तो गाना सीखे लभी, किकरा सीखेला? सर्वप्रथम हमारे प्रथम गुरु हमारे पिताजी हैं। अच्छा। पंडित रामेश्वर पांडे, जिनके बहुत सौभाग्यशाली बानी कि वहाँ के पुत्र के रूप में हम जन्म लेनी, और हमारे पिताजी वहाँ के थोड़ा कान से कम सुनीला लेकिन वहाँ से अब तक हम सीखनी, और अब हम बनारस में रह के सीखीला, और हमारे पूरा घर इस संगीत में बा। बड़ा पिताजी भी, दादाजी हमारे गायक रहनी रेडियो स्टेशन में आसाम गुवाहाटी में, और बड़ा पिताजी भी हमारे तबला वादक में रेडियो स्टेशन में गुवाहाटी ही, और वहाँ के लड़का भी कोई वायलिन में कोई सितार में, हमारे छोटा भाई तबला में भी बाड़े। जौने व्यक्ति के ही सौभाग्य महसूस होखे कि हम अपने पिता के पुत्र के रूप में पैदा भैली, वो पिता कितना सौभाग्यशाली हुई। आप खातिर हम चल रहा बनी सुर कोकिला मालिनी अवस्थी जी के पास। आलोक, आज आपने बनारस का नाम रोशन किया, आपका गाना सुन करके आज मेरा, मैं आपको कह सकती हूँ कि शायद जब से ये शेड्यूल शुरू हुआ है सिर्फ रीमा के गाना को छोड़ करके मैं कह सकती हूँ कि आपका गाना सुन के आज मेरा रोआ खड़ा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।
बिहार के जवाब में उत्तर प्रदेश के पलटन हो रहा बा थोड़ा ज्यादा तैयार, और तू जाके अपने सीट पे विराजमान हो जा। लेकिन जैसे जैसे अच्छा गावा तड़ा जा हमारा टेंशन बढ़ल जाता, कहे कि जे तो आगे पहुँच गिल बा वो पीछे आई नहीं, और यह चार गो में से दुए गो के जाए के बा बाकी तब रोकाई नहीं। तो हमरे मन के परेशानी हमार, आपके मन के परेशानी आपन, आमने सामने बाटे यूपी और बिहार, ना तो चली लाठी ना तो चली तलवार, चली सिर्फ सुर के धार, देखत रहे अवाम सुर संग्राम। एक ऐसा जगह पहुंच गई बनी है जहां सुपर सिक्स में जाए खातिर जंग जारी बाटे। तो हम बुला रहल बानी बिहार से वह कलाकार के जवन सिर्फ जज के ही नहीं, हमरे दिल में नहीं बल्कि सुने वाले लाखों करोड़ लोगन के दिल में अपन जगह बना रहल बिया। जोरदार ताली से स्वागत करे के गोपालगंज के प्रियंका सिंह। खुश रह, ठीक बा ना? थोड़ा डर लगता है? माइक में बोल, जोन बात बटे हमके बता दे, हम ओकर दवाई जानता नहीं। तनी तनी डर लागत बा। जब डर लागे ना तो अपने मम्मी के याद कर, अगर मम्मी के याद के लिए डर ना जाए तो थावे वाली मैया के याद कर, और थावे माई के याद करके दाग दे कर। सिनेमा देखले बाड़ू? सिनेमा देखबे नहीं केली? गाना सिर्फ सुनले ही बानी। खाली गाने में सुन लू, यही से डरा तड़ू। अगर सिनेमा देखले रहतू तो मैं डरोगे डरा तटे मत डरोगे डरात रहे। तो चला जौन भी बाटे बहुत अच्छा बाटे। कल्पना जी बहुत हंसत आड़ी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी आप क्यूट लग रही थी, प्यारी सी। आप अभी भी डर रही है ना? आज भी डरी हुई थी। बोल भी नहीं पा रही है,
लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया, मुझे इसमें कोई नुक्स नज़र नहीं आया, फुल मार्क्स, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कर्णप्रिय मधुर, बहुत ही प्रभावशाली प्रस्तुति आपकी रहल, बहुत बढ़िया। प्रियंका, आपके आवाज़ में जौन एक शोखी बा ओके सुन के हमके पुरानी सिंगर गीता दत्त जी के याद आ गई। थोड़ा सा सुरों को संभाल के, एक दो जगह सुर आपका आज हल्का चढ़ता उतरता, जैसे एक बिल्कुल चांद है ना, तो दाग दिखना ही नहीं चाहिए, परफेक्शन है ना, गो फॉर परफेक्शन। चल जा अपने सीट पे बैठ जा, कहे कि चांद बाड़ू तो दाग तो रहवे करी, आज तक कोई संपूर्ण नहीं के हो पहले, और है सुर संग्राम में इतना गुड़ी गुड़ी कलाकार रही हैं, इतना हम मुँह नहीं सोच के रख ले रहे, लेकिन टेंशन हमनी से ज्यादा जज साहब लोगन पर बाटे। तो अब ई घमासान ओह स्तर पे आ गेल बाटे जहां हम गोपालगंज के प्रियंका के सवाल के रूप में चाहब कि उत्तर प्रदेश के जवाब मिले, और वो जवाब मिली नंदन चंदन के रूप में। एके संगे चल सन वहाँ भी गोड़ चोल संगे, देखत नहीं कि हम एके संगे जावा सन। वो लोग बोलते हैं कि हम एक ही है, एक ही है, बिया बिया कैसे करवा, एक ही को मेहरारू। हाँ, वैसे ये सवाल तो हमारा पहले ही दिन से जब झगड़ा होत रहे ना तब भी उठत रहे, लेकिन हम लोक लाज में नहीं बोलनी, तो अच्छा भइल कि कल्पना जिरवा पूछ दे। बोले चाहत है हम बेशरम बनी, नहीं नहीं हम ही नहीं की बोलत, हम ही बिल्कुल नहीं की बोलत, नारी के ना थोड़ा ज्यादा इजिंगा अधिकार बाटे, रउआ बोल सकी ना, रउआ बोलनी तो रोमांस हो गई, आ हम बोल दे रहती तो वल्गैरिटी हो गई रही तो। लेकिन सवाल बहुत अच्छा बाटे कि सब कुछ एक बाटे, ब्याह कैसे हुई, यह प्रश्न के ऊपर ज्यादा विचार मत करिए सन, कहे कि ई कहीं ना कहीं दुश्मन के चाल हो सकेला तोनी के फसावे के, तो बिल्कुल मत फंसा सन, एकदम ओजिंगे डसा सन, जहाँ के जहर चढ़े तो सीधे उत्तर प्रदेश के लहर देके जाए। दिवरा दिवरा उठा लीला कोरा, दिवरा उठा लीला कोरा, ओ बिजुली के इजोरा, दिवरा उठा लीला कोरा, ओ बिजुली के इजोरा, हमसे करेला निहोरा, ओ बिजुली के इजोरा, दिवरा उठा लीला कोरा, ओ बिजुली के इजोरा। अच्छा, हम एगो बात बोली, जब जहिया तुह लोग के कहायल के तुह लोग गाना नहीं की बजा, तो हम तो एगो इमोशनल लड़ाई लड़त रहनी, लेकिन हम चाहते नहीं कि अब तोहनी के हमरा के छोड़ के मत जइह सन,
हमनी के आगे संग ही रहल जी, संग ही रहल ठीक ना। हमरा हमनी के सपना रहे कि मनोज भैया संग ही रहल जाए। मनोज जी आप क्या शादी करने वाले हैं इन लोगों? नहीं तो फिर नहीं नहीं आपके लाइन ना पूरा सही बाटे, सिर्फ एक जगह गलती बा, से नहीं के के। हाँ मतलब शादी करब इन लोगन के नहीं समझी मैं, मतलब आप शादी करा देंगे? हाँ इन लोग के शादी okay. करब अच्छा, और इन लोग खातिर खूब सुंदर सुंदर कनिया खोजब अच्छा, कोशिश करब पीछे ऐसे ना कि हम बड़ा देखनी है तो बड़ा मन हमारा खुश हो गए, जैसे गावत बड़ा सन और जैसे दिख लौकत बाटे ना, तो एक होला ना कि खुशी खुशी तो कहीं भी मिल सकेला, कहना कि दिल लगल दीवार से तो परी कौने काम के। तो आप लोग इन लोग खातिर जवन भी कहब जा हमने क्यों करा स्वीकार कर जी। मैंने इन लोगों का नाम डीटी वॉइस रखा है, पहले भी बोला था मैंने। अच्छा डीटी वॉइस मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ डबल आवाज बोले, डबल ट्रैक, डबल ट्रैक, डीटी डबल ट्रैक। और सिंक मतलब? सिंक मतलब क्या? मैं भोजपुरी में जान जाती है कि भोजपुरी प्रोग्राम बाटे? नहीं नहीं भोजपुरी प्रोग्राम नहीं, आप लोग, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आप लोग अभी ऐसे मंच पे हैं, वो भी बॉम्बे, बॉम्बे में हो रहा है, बहुत आप लोगों के लिए, सभी के लिए एक्चुअली बहुत ही, ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, आप लोग ऑलरेडी स्टार बन चुके हो और कुछ दिनों बाद आप लोग स्टूडियो में भी जाएंगे। सिंक मतलब जैसे आप दोनों एक साथ गाते हैं, कहीं भी गड़बड़ नहीं होता है हर शब्द को थ्रो करने में, जो वो मिलजुल के चलते हैं उसी को सिंक्रोनाइज कहते हैं, यानी टेक्निकल टर्म में हम लोग सिंक बोलते हैं। मुझे बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू। दा 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 दा। ये जो जगह है बीच में, सांस लेने के चक्कर में आधा शब्द कहीं कहीं पे खा जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े कलाकारों के संग होता है, ऐसा ये आप मत सोचिए कि कमी निकालने के लिए बात सिर्फ कही जा रही है। बाकी एक आप लोगों की अपनी एक टीआरपी है, आप लोगों की अपनी ताकत, आप आज देखे कि वही कैसे कि दो ही लोग आज यूपी से हम लोगों के चुने के बाद हम लोगों के बहुत दिक्कत बढ़ गए बा, लेकिन आप लोगों के गाना संतोषजनक रहे। सुर केहू के काटे ना काटे, लेकिन हमार सवाल फिर ओजिंगे बाटे कि यूपी में से तो दो ये लोग आगे जाई और बिहार के एक ही लोग यहाँ रह जाई। तो अब हमने के महासंग्रामी घमासान उ जगह पहुंच गिल बाटे जहाँ निश्चित रूप से जज इस सोच सकेले कि अगर उनके लगी कि हमने के कोई कलाकार जे पहले हमने के ओकरा के बाहर के लिए बनी जाऊ अगर ज्यादा अच्छा बाटे तो ये लोग कॉल बैक कर सकेला। बाकी जवन घमासान जारी बाटे वह घमासान के आगे बढ़ावे खातिर ने महासंग्राम में हम बुला रहल बानी बिहार के पलटन के छपरा के बिक्की बबुआ के उर्फ हिमांशु के जोरदार ताली से स्वागत करे के। आवाज कैसन बा? सुबह से खांसी बहुत तेज बा, दवा भी ले ले बनी। आहे दादा टॉन्सिल भी बढ़ गिल बा। खैर कोनो बात नहीं के लड़ब, जबले सांस बा तबले आस बा। और एकदम से सुर के गोला दाग द मंजिल तनकी पास बा। बिल्कुल हरे हुंडा लड़ा के गुंडा हरे मरल सदा का इधर होगा जी, इधर होगा जी, इधर होगा जी, लिखी रिपोर्ट दिल में चोट लागल बा, इधर होगा जी, लिखी रिपोर्ट दिल में चोट लागल बा। हुंडा लड़ा के गुंडा मरल सदा का लिखी रिपोर्ट दिल में चोट लागल बा, तहरो गाज लिखी रिपोर्ट दिल में चोट लागल बा।
कहतिया अरे तनिको नहीं घबराइल तू हमसे तनिको नहीं उतराइल हो कमर में पिस्टल खोसी के हमसे खूबे मारे स्टाइल हो और का कहता अरे कहेला विधायक हवन कहेला विधायक हवन हमर बगल वाला ए दरोगाजी ए दरोगाजी ए दरोगा जी लिखे रिपोर्ट दिल में चोट लागल बा ए दरोगा जी लिखे रिपोर्ट दिल में चोट लागल बा देखी जब आप विपक्षी लोगन के ताली बजा के स्वागत करब तो उनकर जो दुआ निकली वो अपने ही काम देला तो बहुत परेशान बाड़े बचवा टॉन्सिल बहुत ज्यादा बढ़ गई बा कुछ भी बोला तो नहीं तो खांसी आ जाता एकरा के का कहल जाए एक दुर्भाग्य जॉन बालाजी के कृपा कहल जाओ जॉन हुई सब ठीक बा कौन दिक्कत नहीं बबुआ जी जी आपकी तबीयत खराब है जी कंपटीशन अब जो लेवल पे है उस हिसाब से शायद सॉन्ग सिलेक्शन थोड़ा सा वीक था आपका बाकी लोग जो गा रहे हैं उस हिसाब से शायद और थोड़ा मैं कोशिश करूंगा अगली बार से ऐसा आपको चांस ना मिले कहने का एकदम मैं चाहूंगी कि अगली बार वो मौका आपको मिले बाकी सब लोग के खत्म होने के बाद ही वो पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है मालिनी जी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था आपका पूरा उसमें जो मूड था उसमें थे लेकिन गाने का जो एक स्तर रहा उससे उठा नहीं जो उठता है सजता है और आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों की मुश्किल भी बहुत ज़्यादा कठिन है आपने अपनी ओर से पूरी कोशिश की बाकी कुछ प्रभु पे छोड़ेंगे बढ़िया रहल बढ़िया चलो अपनी जगह पे विराजा बाकी इंतजार करा कि आज के रिजल्ट का बताओ तब तक धीरे धीरे हमने के वहाँ आगे बनी जा जहाँ अयला के बाद सिर्फ हम आप इंतजार कर सकेली जा कि पता नहीं का होई दिल धड़क रहल बाटे जैसे जैसे कार्यक्रम आगे सरक रहल बाटे और हम आपके बात बता दें कि जवन भी होई सुर संग्राम के इतिहास में भोजपुरी संगीत के महासंग्राम के रूप में जवन भी आप लोग के मिली वो निश्चित रूप से एक अलगे चीज मिली आमने सामने बाटे यूपी और बिहार ना चली लाठी ना तो तलवार चली सिर्फ सुर के धार देखत रहे अवाम ई घमासान सुर संग्राम एक बचल बड़ी गोरखपुर के शिवानी पांडे और दूसरा बचल बड़े लखीसराय के आलोक कुमार जी दिल के धड़कन के थोड़ा काबू में रखी सुर के तान बढ़ाई प्रदेश के शान और हम बुला रहल बनी शिवानी पांडे गोरखनाथ बाबा के धरती से तो मामा हरिये की भांजा अब हम इन्हें बता सकते इन्हें बता सकेंगे हम का इशारा करते नहीं समझा तड़ू जी केकर बात करते नहीं धर्मेश मामा धर्मेश दीक्षित इनकर मामा हमें और ये उनकर भांजी हूँ और आज जो मामला फसल बा तो मामा भांजा में ही फसल बाटे कहें कि ये लोग भी वो चार में से दूगो बाटे तो जवन बाहर निकले के एक बाटे वो नंदन चंदन आलोक पांडे धर्मेश दीक्षित और शिवानी पांडे हम कुछ नहीं बोला तू आपन सुर के तिजोरी खोल और जज लोग हिल जाए ऐसा सुरीला टोल जब से चढ़ल बिया हमरी जवनिया जब से चढ़ल बिया हमरी जवनिया एगो अनार बा बीमार सारी दुनिया हाय रे हाय रे हाय रे नथुनी
देखो यूपी के लड़की के बचावे खातिर बिहार के लड़की कोरस करत रही सन, एकरा से बढ़िया उदाहरण का हो सकेला। नथुनिया, मैं तो आपको पहले देख के दो लाइन गाना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू। और बहुत प्यारी लग रही थी जिस तरह से आप परफॉर्मेंस कर रही थी। थैंक यू। बाकी एक प्रॉब्लम आज ये है, जो गाने का सिलेक्शन है, ये मेरा ही गाया हुआ गीत है जी। मैं इस गीत को रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ही जनता ने बहुत ही सराहा, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि शायद इससे और कोई टफ सॉन्ग आपको सिलेक्ट करना चाहिए था। फिर भी जो गाने का जो डिमांड था आपने वो निभाया। थैंक यू। शिवानी, तो आज आप धमाकेदार एक आइटम सॉन्ग चुन ली जी, और ओकर धमाकेदार प्रस्तुति भी आपके रहल, लेकिन आज हम सभी लोगन के सामने एक ऐसन जिम्मेदारी के काम आ गेल बा कि हम लोगन के सोचे के पड़ी कि सुर के मिजाज केकरा मजबूत बा, केकर दावेदारी ज़्यादा मजबूत बा। और आपके यहो मालूम है कि आज हम आप चार गो में से दुए लोग क्यों आगे जाए के मिली। मामा जी भी यहाँ पर है, मामा जी से रिक्वेस्ट करिए कुछ दया करें आपके लिए। बाकी मस्ती थी, अल्हड़पना था, लेकिन विशेष कुछ नहीं था जी, ठीक है ठाक। थैंक यू। तो चलो अपने पलटन में शामिल हो जाओ और इंतजार करो कि आज शाम के का डिसीजन होगा। और अब आप लोग अपन दिल थाम के बैठ जाए जा, कहें कि एगो आर्टिस्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ डिसीजन के टेंशन रही, वो हमरा आप पे कम रही, जज साहब लोगन पे ज़्यादा रही। अभी कुर्सी होने के पता चली कि कितना मुश्किल भरा बाटे। और हम बुला रहल बानी आज के एपिसोड के जवन रखे के तोड़ी आज के एपिसोड से, तो जोरदार ताली से स्वागत करे के लखीसराय के आलोक कुमार के। कैसन बड़ा आए, कुछ डर लगा था का? नहीं ना, ना। तो दागा सोची सोची दिया हमरो सोची सोची दिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो। चार दिन से पियाबा बन पाता दरोगा जी हो, चार दिन से पियाबा बन पाता सोच सोच दिया हमरो सोच सोच दिया हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो। चार दिन से पियाबा
इनके निर्णय खातिर हम चलत नहीं सीधे मालनी अवस्थी जी के पास। आपके सुन के जेरा कुछ ऐसन बेकरार हो गईल, गीत आप ऐसन गौली के मन के बगिया में बहार आ गईल। आलोक, आपके बहुत बहुत दूर जाए के उम्मीद बा इस सुर संग्राम के सफर में। जीते रह, बहुत बहुत बढ़िया। पहली बार मुझे खतरा महसूस हो रहा है पर्सनली मेरे करियर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल्पना आपको और रियाज करना चाहिए, एक से बढ़ के एक आ रहे हैं। और जी, मुझे प्रेरणा मिली है आपसे, आपने जो जो अंदाज अलग अलग वेरिएशन लगाए आज, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और फेरू छक्का तू मार गई। चल कितने जगह पे बैठ जा। बिहार खातिर रास्ता बहुत आसान बाटे, लेकिन उत्तर प्रदेश खातिर बहुत कठिन बाटे। कहे कि अब निर्णय होई कि उत्तर प्रदेश के सुपर सिक्स के बनी और बिहार के सुपर सिक्स के बनी। अब न्यायालय तो सजले बाटे, न्याय पत्रिका बने के तैयारी हो रहल बा। उ न्याय पत्रिका बताई कि सुपर सिक्स में आज एह एपिसोड से के जाए, देखल जाए कि जज लोगन के का निर्णय बाटे। संग्राम दीवाना बना दे। चलिए, अच्छा भैया आप लोग ताली थोड़ा सा बजा दे लीजा, कहे कि हम जानत नहीं कि आप लोग ताली बजावे की स्थिति में। रीमा, अगर तू छट गेलू तो कैसन लागी तोहरा? तोहके लागत है कि तू छट सकेलू? ना। आलोक, तोहरा का लागत बटे? ना, एकदम ना। आज तू सेफ बाड़ा कि तोहार सफर रुक गेल होई? हमारे जज के ऊपर निर्भर करते नहीं। पूजा, ऑब्वियसली नहीं निक लगते, लेकिन जे जे जज सब कहलखी ना, तकर बात मन में रख के और सोचबे कि आगा कमी के